तो दोस्तों फाइनली ओप्पो ने चाइनीज मार्केट में ओप्पो रेनो 9 सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जहां पे हमें तीन स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, ओप्पो रेनो 9, ओप्पो रेनो 9 प्रो एंड ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस 5G। बट फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करने जा रहा हूँ ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस 5G के बारे में, कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या कुछ रखी गई है, चाइनीज मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग रखी गई है, इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन आएगा या फिर नहीं आएगा, आएगा तो इसकी क्या प्राइसिंग होगी। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी देने वाला हूँ ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस 5G से रिगार्डिंग। एंड हाँ दोस्तों, जिनको भी ओप्पो रेनो 9 एंड ओप्पो रेनो 9 प्रो 5G के बारे में जानना है वो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसके बाद आपको वो दोनों वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस 5G के बारे में। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस 5G के स्पेक्स के बारे में सबसे पहले बातें कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस वाला कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट लाकर दिया गया है। सामने की तरफ जो है पंचोल स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले, जहां पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लाकर दिया गया है। बैक की तरफ जो है ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का बस चिपका दिया गया है, जिसका कोई यूज नहीं होता है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 4700mAh की बैटरी है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, एंड यहां पे आपको 80 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। अब प्रोसेसर की बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 चिपसेट, जो कि LPDDR5 वाले रैम टाइप एंड UFS 3.1 वाले स्टोरेज टाइप के साथ में आता है, जो कि काफी तगड़ी बात निकल कर आती है। अब भैया यहां पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाते हैं, 3.5mm जैक यहां से मिसिंग है, एंड यहां पे आपको डुअल सिम का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन जो है आपको कलर OS 13 पर रन करेगा, जो कि एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड इस स्मार्टफोन की थिकनेस आपको देखने को मिल जाती है 7.99mm, एंड इसका जो वेट है वो 192g का है। ये रही स्पेक्स की कहानी ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस 5G की। अब अगर मैं आपसे इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखिए, चाइनीज मार्केटिंग में स्मार्टफोन दो वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, जो कि निकल कर आता है 16GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज एंड 16GB रैम प्लस 512GB इंटरनल स्टोरेज, मतलब सीधे 16GB से स्टार्ट होता है। ये समझ में नहीं आया ये ओप्पो ने क्यों करा। खैर, अगर हम इसके 16GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वो निकल कर आती है चाइनीज मार्केट में 3,999 yuan, जिसको अगर हम इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल करता है तकरीबन 45,700 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 46,000 रुपये। तो 46,000 रुपीज का हमें यह स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जो कि हाँ ओप्पो का स्मार्टफोन है, हमेशा से प्रीमियम प्राइस टैग के लिए जाना जाता है, तो प्राइसिंग 46,000 रुपीज नो डाउट ज्यादा है। और अगर जब देखिए 46,000 रुपीज चाइनीज मार्केट में ही रखी गई है, तो इंडियन मार्केट में आएगा तो 50-55 की प्राइसिंग में आएगा, और 50-55 की प्राइसिंग में तो भाई इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। और देखिए, बहुत कम चांस है कि इसको इंडियन मार्केट में लेकर आई कंपनी। जो ओप्पो रेनो 9 प्रो लॉन्च हुआ है, जिसके ऊपर आपको इसके बाद वीडियो देखने को मिलेगी, हो सकता है उस स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस 5G बनाकर लेकर आ जाए कंपनी, क्योंकि इसको लेकर आना थोड़ा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल है, क्योंकि 50,000 का कोई ओप्पो का स्मार्टफोन तब हजम नहीं हो पाएगा, बात सिंपल सी है। और अगर मैं आपसे इसके इंडिया लॉन्च के बारे में बात करूं तो ये स्मार्टफोन जो है इस साल आपको इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, अगले साल मार्च अप्रैल के आसपास आपको इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है अगर आता भी है तो, और आने का जैसा मैंने आपको बताया कि ओप्पो रेनो 9 प्रो को हो सकता है 9 प्रो प्लस 5G बनाकर इंडियन मार्केट में ला सकती है। तो बस यही जानकारी थी जो हमको देना चाहता था ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों का कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ चलिए। तो दोस्तों मिलता है किसी जैसे एक और नई वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।